अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सेशन जमात की उर्दू का दूसरा सबक पढ़ते हैं, जिसका नाम है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिब। पांचवी जमात में आप मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के कुछ हालात से वाकिफ हो चुके हैं। आप लफ्ज खलीफा के मायने भी जानते हैं। इस्लाम के इब्तदाई जमाने में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और इस्लाम मुल्क अरब से निकलकर ईरान, मिस्र और स्पेन जैसे दूर दराज मुल्कों में फैल चुका था, ऐसे हालात में इस्लामी हुकूमत को मुसलमानों के कब्जे वाले तमाम इलाकों में संभाले रखना बहुत जरूरी था। हुकूमत का ये निज़ाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कायम हुआ। इस्लामी हुकूमत के इस निज़ाम को खिलाफत कहते हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 2.5 साल खिलाफत की। इनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। यहाँ इनके अखलाक को आदात और जिंदगी के कुछ वाकयात बताए जा रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा आपको इस सबक के मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिब के बारे में भी थोड़ी मालूमात देती हूँ। इस सबक के मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिब 2 अगस्त 1950 को नागपुर में पैदा हुए। उर्दू, फारसी और अरबी में उन्होंने एमए करने के बाद 2 मरतबा पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में उन्होंने तदरीस की। तहरीर, तंकीद, शायरी जैसी असना और जबान व अदब की तारीफ में भी उन्होंने बहुत काम किया है। इन मौजूदात पर इनकी मुतअद्दिद तसानीफ शाये हो चुकी है, जिन्हें कई एजाजात भी मिले हैं। ताजगी बच्चों के लिए लिखी गई इनकी नज़मों का मजमू है। अब ये मालूमात हुई हमारे मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिब की। अब उन्होंने इसमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या क्या वाक़यात बताए उसकी मालूमात हासिल करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। उनके वालिद का नाम खत्ताब था। क्या था? खत्ताब। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 583 में मक्के में पैदा हुए। उन्होंने पहलवानी और शह सवारी के फनून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत करते थे। तिजारत के सिलसिले में उन्होंने दूर दराज के सफर किए और दौलत कमाने के अलावा इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार अरब के सरदारों में होता था। शुरू में अरब के दूसरे सरदारों की तरह उन्होंने भी इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि इसकी शदीद मुखालफत की। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को फेर दिया। चुनांचा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब दुश्मनों का जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया। हिजरत। हिजरत के मायने भी आप बखूबी जानते होंगे। एक मुकाम से दूसरे मुकाम को पर जाना हिजरत कहलाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अलानिया मक्के से मदीना हिजरत की। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर साथ दिया और इस्लाम की हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। और से सुनिए, 10 बरस 6 महीने और 4 दिन। इनकी खिलाफत के दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई थी। इतनी बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए उन्होंने एक बाकायदा निज़ाम कायम किया। मफ्तूहा मुल्कों को सूबों में तकसीम करके हर सूबे के इंतजाम और निगरानी के लिए एक आमिल मुकर्रर किया। मफ्तूहा मतलब फतेह किया हुआ। बैतुल माल, अदालत, आकाशी फौज और पुलिस के मौके में कायम किए।
शहर आबाद करवाए, नहरें खुदवाई, मेहमान खाने तामीर करवाए, फौजी छावनियां बनवाई, जेल खाने बनवाए, मर्दुमशुमारी करवाई और मकातिब कायम किए। मर्दुमशुमारी यानी किसी इलाके में रहने वाले अफराद की गिनती। मकातिब, मकातिब की मायने है मकतब की जमा यानी मदरसे भी बनवाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत पर सलाह व मशवरे के बाद हिजरत के वाक़े को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई। यानी ये वो खलीफा है जिनके दौर में कैलेंडर की इब्तिदा हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में इतनी आज़ादी थी कि आम लोग भी बेखौफ होकर उनसे गुफ्तगू करते और अपनी जरूरतें बयान करते थे। मतलब वो इतने बड़े खलीफा होकर लोग उनसे जो तो बेखौफ होकर बात करते थे और उनसे अपनी जरूरतें बयान करते थे। हाजतमंदों के लिए इनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। हाजतमंद यानी जिनको जरूरत होती थी कोई भी चीज के लिए तो वो हर वक्त इनके पास आ सकते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उनका मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते थे, औरतों को बाजार से सौदा सल्फ मंगवाना होता तो ला देते, मैदान जंग से उनके नाम खतूत आते तो खुद घर घर जाकर उन्हें पहुंचाते, उनको जवाब भिजवाना होता तो खुद लिख देते, वो नाबीना बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। यानी इतने बड़े खलीफा, उस दौर के इतने बड़े खलीफा जो इतने बड़े मुल्क पर की खिलाफत थी, वो मतलब छोटे छोटे काम करने के लिए शर्माते नहीं थे बल्कि सौदा सल्फ लाते थे और खुद खुद जाकर घर घर पहुंचाते थे और जवाब भी खुद लिख कर देते थे और बीमारों की, नाबीना की और माजूर लोगों की मदद किया करते थे। एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को खाना खिला रहे थे। उन्होंने देखा एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास गए और आहिस्ता से कहा कि दाहिने हाथ से खाओ। उस शख्स ने रंजीदा होकर कहा कि एक जंग में मेरा दाया हाथ जाता रहा। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिल भर आया। वो उसके बराबर बैठ गए और कहने लगे, अफसोस, तुमको वजू कौन कराता होगा, तुम्हारा सर कौन धुलाता होगा, कपड़े कौन पहनाता होगा। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस माजूर शख्स के लिए एक नौकर मुकर्रर कर दिया और माजूर शख्स को तमाम जरूरी चीजें मुहैया कर दी। उन्होंने नौकर को हिदायत दी कि तुम इस शख्स की तमाम जरूरतों का ख्याल रखना, उसे किसी तरह की तकलीफ ना होने पाए। यानी वो हर शख्स की उनको फिकर हुआ करती थी, वो हर एक शख्स का ख्याल रखते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रातों को गश्त करके लोगों का हाल चाल मालूम करते थे। गश्त करना यानी हालात मालूम करने के लिए चक्कर लगाना। एक दफा गश्त करते हुए मदीने से 3 मील दूर पहुंचे, देखा कि एक औरत कुछ पका रही है और 2-3 बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबक पूछा तो औरत ने बताया, इनको कई वक्त से खाना नहीं मिला है, उन्हें बहलाने के लिए मैंने पानी में कंकर डालकर हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन मदीना आए, बैतुल माल से खाने पकाने की चीजें ली और अपने गुलाम असलम से कहा, इसे मेरी पीठ पर रख दो। असलम ने कहा, ये सामान मैं लिए चलता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या कयामत में भी मेरा दोष तुम उठाओगे। चुनांचा खुद ही सब सामान लेकर पहुंचे। अब इस औरत ने पकाने की तैयारी की, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने खुद चूल्हा फूंका, खाना तैयार हुआ तो बच्चों ने सैर होकर खाया और उछलने कूदने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु देखते थे और खुश होते थे और औरत कहने लगी, खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था ना कि उमर को। औरत नहीं जानती थी कि हजरत उमर ही है क्योंकि वो गश्त लगाते वक्त भेष बदल कर जाया करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दीदा होकर बोले, अल्लाह मेरी गफलत को माफ फरमाए, मैं ही उमर हूँ, तुम भी मेरी गफलत को माफ कर दो कि मैं इतने दिन तुम्हारी हालत से बेखबर रहा। आप दीदा होना मतलब आंख में आंसू भर जाना, यानी इनके आंख में आंसू आ गए और वो रोते हुए कहने लगे, अल्लाह ताला मेरी इस गफलत को माफ फरमाए। और उन्होंने बताया कि वही उमर है और उस औरत से माफी मांगी। एक मरतबा ताजिरों का एक काफिला मस्जिद नबी के बाहर आकर रुका। रात को अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और कहा, आओ आज रात इन ताजिरों के मान की हिफाजत के लिए पहरा दे।
चुनांचा दोनों जलील कद्र साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रात भर ताजिरों के माल की हिफाजत की। ताजिरों को भी इल्म ना हुआ कि अमीर उल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद इनके माल तिजारत की निगरानी कर रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु चाहते तो अपने सिपाहियों को भी हुक्म दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना करके दुनिया के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। यानी जितना हो सकता था वो काम खुद करते थे, ना कि नौकरों की मदद लेते थे, ना सिपाहियों को हुक्म देते थे, उनसे जितना हो सके वो अपना काम खुद करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल माल की निगरानी बड़ी दयानतदारी से करते थे। एक मरतबा कुछ लोग उनसे मिलने आए तो देखा कि वो दीवाने वार इधर उधर दौड़ रहे हैं। आने वालों को दूर ही से इशारा करते हुए कहा, तुम भी मेरा साथ दो, बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया है, तुम तो जानते ही हो कि इसमें गरीबों का हिस्सा है। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तकलीफ उठाते हैं, किसी गुलाम को हुक्म दीजिए वो ढूंढ लाएगा। फरमाया, मुझसे बढ़कर गुलाम कौन हो सकता है। देखा आपने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अखलाक, उनके आदात, मतलब एक ऊंट जो भाग गया है वो उसमें गरीबों का हिस्सा है, इसलिए उनको इतनी फिक्र हुई कि वो खुद कह रहे कि मैं खुद उनका गुलाम हूँ। हालांकि वो खलीफा थे, इतनी बड़ी हुकूमत उनकी थी जिस पर वो खिलाफत किया करते थे, लेकिन वो गुलामों की मदद नहीं लेते थे, जितना हो सके वो अपने आप से काम लेते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सादगी पसंद थे। वो कैसे थे, एकदम सादा थे। एक सहाबी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा है कि अपनी खिलाफत के जमाने में भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। यानी आजकल कोई अगर बड़ी पोस्ट पे रहे तो वो इंसान कैसा रहता, लेकिन हजरत उमर जो है तो इतनी बड़ी हुकूमत पे, उनकी इतनी बड़ी हुकूमत थी, लेकिन वो कैसी जिंदगी गुजारते थे, एकदम सादा। उनके लिबास पर कई पेवन लगे हुए थे। आजकल तो गरीबों के लिबासों पे भी नहीं रहते, लेकिन वो इतने बड़े हुक्मरान होकर उनके लिबास पर पेवन लगे हुए थे। इनका गुलाम सालन भी इनके एक दफा वो लोगों के हालात जानने और उनकी जरूरत मालूम करने के लिए शाम के दौरे पर गए। इनका गुलाम सालन भी इनके साथ था। इनकी आमद की खबर सुनकर लोग इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो कोई पहचान ना सका कि आने वाले दो मुसाफिरों में खलीफा कौन है। सालिम ने जब इशारा किया तो लोग उन्हें पहचान सके। लोगों को तौके नहीं थी कि इनके खलीफा इतने सादा लिबास में होंगे। वो समझे हुए थे कि खलीफा बादशाह की तरह सज-धज कर आएंगे, लेकिन वो इतने सादा थे कि आम लोग उनको पहचान ही नहीं सकते थे कि वो खलीफा है। एक अजीम शान हुकूमत का खलीफा होने के बावजूद यानी इतनी बड़ी शान थी उनकी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी बे इंतहा सादी थी। वो मामूली सा लिबास पहनते थे, बहुत ही सादा गुजा इस्तेमाल करते और मस्जिद के किसी भी गोशे में मिट्टी के फर्श पर लेट जाते थे। वो तक्वा, तक्वा यानी खुदा का खौफ, उन्हें खुदा का खौफ बहुत था। परहेजगारी, हक परस्ती, रास्त गोई और अदल व इंसाफ का पैकर थे। यानी वो जो तो तक्वा, परहेजगारी, हक परस्ती, रास्त गोई, सच बोलना, बुराइयों से बचना, खुदा का खौफ, ये सब चीजों का वो पुतला थे और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। एक मजूसी, मजूसी जरतुष्ट को मानने वाले जो आग की पूजा करते थे। फेरोज इब्ने लूलू ने सन 644 में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर खंजर से हमला किया। जख्म इतना कारी था कि वो जानवर ना हो सके। उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने का शर्फ हासिल हुआ। कारी मतलब उनका जख्म इतना कारी गहरा, इतना गहरा था कि वो जिंदा ना रह पाए। एक जो है तो आग को पूजा करने वाला जिसे मजूसी कहते हैं, उसका नाम फेरोज इब्न लूलू था। उसने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर खंजर से हमला किया और वो जख्म इतना गहरा लगा कि वो अपने खालिक हकीके से जा मिले और उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू बाजू में दफन होने का शर्फ हासिल हुआ।
मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अब इस पर वो तख्ते स्याह पर जो मायनी अल्फाज मैं लिख रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक पर तहरीर कर लीजिए। बोर्ड पर हाँ जो मुश्किल अल्फाज मायनी है वो हमने लिख लिए हैं, वो आपकी नोटबुक पर आप तहरीर कर लीजिए और याद करें तो ज्यादा बेहतर। शुक्रिया।